वो बीजेपी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं और स्मृति दीदी के काफ़ी करीबी नेता हैं। उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम है दीदी जो है 55,000 वोटों से जीती। हमारे यहाँ तीन बूथ हैं, तीनों बूथ को मिला के 726 वोटों से जीती। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़ौलिया में जो है संपूर्ण बहुमत उनको मिला। ठीक है, तो उसमें ये अभी हुआ। उसके बाद हम लोग कल गए थे बारात से लौट के आए तकरीबन 11 बजे। हम लोग लेट गए थे तो फायरिंग की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो हम लोग आए देखे तो ये बेड से नीचे गिरे हुए थे और काफ़ी ब्लड नीचे फैला हुआ था। फिर हमको समझने में देर नहीं लगी, समझ गए कोई दुर्घटना हो गई है। फिर हम इनको अपनी गाड़ी पे लिटाए और लेकर आए रायबरेली जिला अस्पताल। वहाँ इमरजेंसी में ले गए तो वहाँ पर डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया ट्रामा सेंटर के लिए। फिर हम लोग यहाँ ट्रामा सेंटर लेकर आए, यहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है। काफ़ी अच्छे माने जाते थे अपने क्षेत्र में, वो काफ़ी लोकप्रिय थे। जी हाँ, वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, लगातार 3 पंचवर्षीय प्रधान रह चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में भी हैं और जनसंघ के जमाने से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कद्दावर नेता हैं, वो किसी से डरते नहीं थे, बिल्कुल निर्भीक होकर जो है संगठन में कार्य करते थे और उनका काफ़ी अच्छा समाज में व्यवहार भी है, काफ़ी व्यवहारिक आदमी। किसी से कोई दुश्मन नहीं था। किसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया? वो जहाँ भी रहते थे एकदम निष्पक्ष तरीके से रहते थे और बोलते भी थे। तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेसी कुछ समर्थक हमारे यहाँ हैं, वो काफ़ी नोकझोंक हुआ करती थी बीच बीच में अपना। तो हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि इतना बड़ा इशू बन जाए, सब समर्थक अपना पक्ष रखते थे, बोलते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है कांग्रेसी समर्थकों की हताशा है, वो हताश होकर जो है राहुल गांधी के हारने के उसमें जो है उन्होंने ऐसा कदम उठाया। क्या इससे पहले इस नेता दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। उनका किसी से कोई अभी तक हाथापाई ऐसा कुछ सुनने को नहीं। अगर वो कोई गाली भी दे देता था तो एकदम मुस्कुरा के वो टाल देते थे। आपको कि जिसको गोली मारी गई है, कोई आपको पता चला कि कौन लोग थे या क्या? नहीं, जब हम लोग बरामदे तक पहुँचे तब तक वो भाग चुका था। तो वहाँ दो चार लोग थे जो सामने पंचर की दुकान है, वहाँ पे पंचर बनवा रहे थे, तो शायद उन लोगों ने देखा होगा। पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। किससे आए थे वो लोग, ये पता चला या कैसे थे वो लोग? नहीं, अब यहाँ से अब हम लोग घर जाएंगे तो पता चलेगा क्या है। क्या मांग रहे थे?